इंदौर में बदमाशों के बीच पुलिस का डर अब खत्म होता नजर आ रहा है। देर रात बदमाशों ने नंदा नगर में पंकज शर्मा नाम के व्यक्ति के घर बियर की बोतल मारी। बदमाश आधे घंटे तक आतंक मचाते रहे, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। पंकज शर्मा ने बताया कि 2 साल पहले हत्या के मामले में उनके बेटे को फंसाया गया था, तभी से बदमाश उनके बेटे से रंजिश रख रहे हैं। बदमाशों के हौसले की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। रात में 12:30 बजे की घटना है। मेरे घर के बाहर गोलू पंडित, विशाल ठाकुर, सन्नी निगम ये लोग आए थे और 1:45 बजे मेरे घर के बाहर कम से कम 15-20 बोतलें फेंक के गए। घर के कांच फोड़ दिए इन लोगों ने और पूरे मोहल्ले में आतंक मचाया है यहाँ पे। और परसों के दिन ये प्रशांत मौर्य जो लड़का है 2 नंबर रोड पर रहता है, इसके पिताजी का नाम है महेंद्र मौर्य। ये लड़के ने परसों के दिन इसका जन्मदिन है, 54 नंबर में इनने पार्टी दी थी 30-40 लोगों को, और वहीं पे मेरे बच्चे की मर्डर की भी साजिश रच रहे हैं ये लोग। 20 लाख रुपए की जो लड़कों को इनने बात करी है, वो लड़कों ने 20 लाख रुपए की सुपारी लेना कबूल करा है। भैया हमको 20 लाख की सुपारी दे रहे हैं और वो बोल रहा है कि इनका मर्डर कर देंगे। तो किस बात को लेकर मर्डर की सुपारी? आज से कम 2 साल पहले मेरे बालक को मर्डर में उलझा दिया था इन लोगों ने, उसका बदला लेने के लिए ये लोग आए दिन रोड पे निकलते हैं। इधर से तो गाली गुप्ता करके निकलते हैंगे। अभी यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ पे भी बियर की बोतलें फोड़ फाड़ के गए थे।